इस बीच सीधा रुख करेंगे जहां पर झारखंड पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। देखा आज बदलते दौर में हमारे लिए आज के युग में भी उस बात को याद रखना है। मेरा और आपका रिश्ता भी गोपाल कृष्ण से जुड़ता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, और बिरसा मुंडा की भी नहीं बोलना पड़ेगी, जिनके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर। बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के उस कठिन काल में भी झारखंड की धरती से जितना बड़ा काम किया था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ये कांग्रेस सोरेन ये सब कुर्सी के भूखे लोग रहे। इन्होंने बिरसा मुंडा जी का उतना बड़ा योगदान, उसके बारे में बात ही नहीं की। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीते जी मनुष्य से भगवान की तरह जनता के बीच काम करते हुए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उन्होंने इतना पुरुषार्थ पराक्रम जगाया कि अंग्रेज के पैर ढीले पड़ गए, अंग्रेज सोच में पड़ गए। लेकिन बिरसा मुंडा जी ने ऐसे पिछड़े इलाके से भी, वो अंग्रेज जिनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उनके होश ठिकाने लाए। हमें इस बात की खुशी है वो बिरसा मुंडा का इतना बड़ा योगदान याद करने की जरूरत है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस ने कभी उन पर विचार नहीं किया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपके केवल झारखंड में नहीं, केवल बिहार में नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए पूरा देश आंदोलित कर दिया। 15 नवंबर को धूमधाम से उनकी बिरसा मुंडा जयंती मनाएंगे। ये हमारे अपने उस पुरुषार्थ पराक्रम का प्रतीक है। और अनुसूचित जाति भाई बहनों आप भी सुनना, हमारे लिए खास करके अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी भाई बहनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा मन है कि हमारे बीच में से आदिवासी भाई बहन, संथाल समाज से आने वाली बहन, राष्ट्रपति किसको कहते हैं, पहली बार आदिवासी बहन को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे बिठाने का काम अगर किसी ने किया है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और हमारी बहन महामहिम राष्ट्रपति, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। नरेंद्र मोदी जी कितने प्रकार से काम करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक काम। आप बताओ, मैं तो आज मुझे मालूम पड़ा हमारे प्रधानमंत्री ने एक यादव बच्चे को उठा करके इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, ये उनका ही कलेजा हो सकता है। आप तो इतनी बड़ी आबादी में हो, इतना बड़ा मन उनका है कि आज किसान परिवार से, यादव परिवार से कोई भी व्यक्ति कभी सोच सकते थे कि भाजपा जैसी विशाल पार्टी में जिसके कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है, लेकिन उन्होंने आखिर इस समाज को जो सम्मान दिया ये किसी पार्टी ने नहीं दिया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्रीमान जेपी नड्डा जी का। माननीय मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये केवल बोलने से नहीं होता, करके दिखाने वाला होना चाहिए। और करके दिखाने वाले का 56 इंच का सीना चाहिए, 56 इंच का सीना, इतना दम होना चाहिए कि हाँ आइए इस राज्य के सीएम बनिए। इसीलिए मेरी जवाबदारी और बढ़ जाती है। जब आज इस राज्य के फैसला हो रहा तो यहाँ दो ही मसले हैं सामने। हम भगवान कृष्ण के काल को याद कर लें, उस कृष्ण के काल में भी, भगवान कृष्ण के काल में भी कंस ने कितने अत्याचार किए थे, क्या क्या नहीं किया था भगवान कृष्ण के काल में। अरे बताओ, भगवान की खाली भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र होगा। अब 8वां तो
एक दो तीन चार किसी भी माता बहनों हम समाज में देखते हैं, कोई बच्चा एक दिन में तो पैदा नहीं होता है, लेकिन कंस कितना दुष्ट था, उसने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सात सात भाई बहनों को मारा है, माँ बाप को जेल में डाल दिया। कारण केवल कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला और उसकी मौत उससे लिखी हुई। अरे अपने कर्मों को देख लो, तुम्हारी अपने आप मौत आ जाएगी भाई। ये कंस वाले और ये कांग्रेस और सोरेन वाले एक ही जात के लोग हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। कंस ने भी जितना अत्याचार किया था, आज बताओ क्या बता रहे, मेरे पहले मान्य प्रत्याशी थी, कितने खदानों में लूट मची। अरे दो रोटी खाओगे भाई, क्या खाओगे, लेकिन खदान कोयला बताओ करोड़ों करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपया कहां ले जाओगे, ये गरीबों का हक का पैसा ले जा करके किसको कहते हैं, एक आदमी के पास 350 करोड़ रुपया, वो और नौकर चाकर भी 150 करोड़ के आदमी हो गए, क्योंकि ये सब गरीबों का आपका पैसा लूट के ले गए। आपका ये चुनाव नहीं है, धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध, इस धर्म युद्ध को लड़ना है, ये वर्तमान का समय है। और ये जो समाज बैठा हुआ है, झारखंड के सभी लोगों का जो तय करेंगे एक बार कि सनातन धर्म के लिए भी यही समय सही समय और चुनौती का समय है। इस चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है, आपके अपने घर के आसपास आप याद दिलाओ, देखो आपकी जमीनों के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठों को सपोर्ट कौन कर रहा है, चुनाव में वोट के भूखे ये सारे सोरेन और कांग्रेस वाले वोट के कारण चुप है। आप बताओ ये केवल उसी कारण से चुप है कि केवल वोट दे दो उनको मौका मिल गया, और ये बांग्लादेशी घुसपैठे क्या कर रहे हैं, आपकी जमीन पे कब्जा करना चाहते, आपकी बहन बेटी को उठा के ले जाना चाहते, उससे दुराचार करना चाहते। ये आपको अभी हमने देखा बांग्लादेश के अंदर, हमारे सभी देवस्थान खतरे में पड़े, पड़े कि नहीं पड़े, अपने सारे देवस्थानों के ऊपर आक्रमण हुए, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन ये लोग जब भी आबादी बढ़ती जब भी कब्जा करने आते तो ये करते क्या, ये एक ही काम करेंगे, ये हमारी चोटी हमारी बेटी और मंदिर की पूजा इसके विरोधी है, इसके खिलाफ ये चुनाव में हमको लड़ने की जरूरत है। चुनाव सामान्य नहीं, हमारे लिए अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने का चुनाव, इसलिए आज के चुनाव में हम याद रखें, हम तो उस गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं जिसने कालिया नाग के भी होश ठिकाने लगा दिए, कालिया नाग के बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, कालिया नाग के फन पे नाच सके वो है यदुनंदन, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और अपने स्वाभिमान के लिए अपने समाज के लिए प्रकृति और भूमि और भूखंड और गोवर्धन नाथ के लिए जिसने संघर्ष में इंद्र से भी नहीं ली, इंद्र की अकल ठिकाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो गोवर्धन पर्वतधारी गोपाल कृष्ण ने ही किया है। हम उस तरह तोड़ने वाले आदमी जिसके बलबूते पर, जिनकी इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपनी सच्चाई और अच्छाई के लिए, अपनी मन की इच्छा शक्ति के लिए, समूचे समाज के लिए भगवान कृष्ण ने जो मार्ग दिखाया, आज उसी बात की जरूरत है। और जब आज आप जय श्री राम के नारे लगा लो तो हमारी तो ताकत और बढ़ जाती है, बढ़ती के नहीं बढ़ती है। जब अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो बोला जय श्री राम, जब जय जय श्री राम बोल के 500 साल के संघर्ष के बाद आज ये आनंद आ रहा है। इस वर्ष की जो देव दिवाली मनी है और कल देव दिवाली रहेगी।